हेलो दोस्तों, फूडी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी ड्राई फ्रूट कुल्फी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपके रबड़ी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। पहले हमें लेना है फुल क्रीम दूध, क्योंकि इसके अंदर मलाई ज़्यादा होती है। फिर इसे उबालना है, और उबालते उबालते साइड में जो मलाई निकलती जाए उसको हमें डालते जाना वापस। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक इसके अंदर एक चौथाई दूध ना बच जाए। ऐसे ही मलाई निकालते जाए और डालते जाए। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है बाद में, और ऐसे ही रबड़ी बनाई जाती है। ये देखिए मलाई कितनी अच्छी तरह निकलने लगी है अब, और जितना आप करते जाएंगे उतना ही दूध गाढ़ा होने लगेगा, ये देखिए। और जब आप चलाएं और इसके अंदर दूध कढ़ाई से अलग होने लगे, समझ जाना कि ये हो चुका है। फिर हम गैस बंद कर देंगे, और इसके अंदर जाएगा स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, जितनी आपको चाहिए डाल देना, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट हम क्रश कर लेते हैं। मैंने लिए थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, और अब बारी है कूटने की, फटाफट कूट लेते हैं। फिर जो मिक्सर बनाया था उसके अंदर हम डाल देंगे इसको, और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए बाद में। ये देखिए अच्छे से मिला लीजिए। इस पॉइंट पे आपकी रबड़ी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो ठंडा करके खा सकते हैं ऐसे ऐसे, या फिर इसे फ्रीज कर सकते हैं आप। एक छोटे से बर्तन में निकाल लेते हैं इसको। ऊपर से डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट और इसे जमा लेंगे, और ये आपकी रबड़ी ड्राई फ्रूट कुल्फी तैयार हो चुकी है खाने के लिए।